नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने एकीकृत वेब पोर्टल किया लॉन्च। देश के किसानों से गोबर और फसल अवशेषों को उचित दाम पर खरीदा जाएगा। चमोली जिले की दुर्मी घाटी पहुंचे मुख्यमंत्री। दुर्मी ताल का जीर्णोद्धार सहित विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने की दर्जन भर घोषणाएं। उत्तराखंड में दूसरे चरण के टीकाकरण की तैयारियां तेज। केंद्र से टीकाकरण के लिए मिलेगी 1,40,000 खुराक। अगले सप्ताह से फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुरू होगा टीकाकरण। और प्रदेश भर में बदला मौसम का मिजाज। गढ़वाल और कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में आज छाए रहे आंशिक बादल। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने देश भर में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए आज संयुक्त रूप से एकीकृत वेब पोर्टल शुरू किया। ये जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना के तहत देश के किसानों से गोबर और फसल अवशेषों को उचित दाम पर खरीदा जाएगा। इस योजना के तहत पशुओं के मल और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि भूसा, पत्ते इत्यादि को कम्पोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। इससे किसानों की आय में तो इजाफा होगा ही, साथ ही उनकी आर्थिकी भी संवरेगी। इकोनॉमी पे जो इंपोर्ट के कारण से जो बर्डन है हाइड्रोकार्बन फ्यूल के इंपोर्ट के कारण से, उसको इसको जो है उसमें कुछ अंश तक उसमें कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में पांचवा ये पोर्टल जिसको आज लॉन्च किया है, पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी, जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है। और इसके साथ साथ में प्रगति के साथ साथ में एक सोशल अकाउंटेबिलिटी भी रहे कि एक चेक जो है समाज का भी रहे कि जो काम हो रहा है उसमें किस स्तर पर प्रगति हो रही है, कितना स्तर तक प्रगति हो रही है, ठीक उसका जो है उसके बारे में विचार सब लोग कर सकें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज चमोली जिले की दुर्मी घाटी पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस दुर्गम स्थल पर पहुंचे हैं। दसौली ब्लॉक में स्थित दुर्मी घाटी में दुर्मी ताल 70 के दशक में पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से स्थानीय लोगों ने इस घाटी को पुनः विश्व पटल पर स्थापित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए गैरसैंण में दुर्मी ताल के जीर्णोद्धार की घोषणा करते हुए 25 लाख रूपये की टोकन मनी जारी की। मुख्यमंत्री ने दुर्मी निजमुला घाटी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं संबंधी लगभग एक दर्जन घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ की महिलाओं की आजीविका सुधारने के लिए योजना बना रही है। आगामी बजट में इसके लिए धनराशि की घोषणा की जाएगी। दरअसल दुर्मी घाटी में 14 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। घाटी की जनसंख्या लगभग 8,000 है। विकास और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से इस घाटी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहां की जनता पिछले कई वर्षों से सन 1970 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए दुर्मी ताल के जीर्णोद्धार की मांग कर रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिला योजना के तहत जिले में 85% धनराशि व्यय करने पर संतोष जताया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी संग्रहालय, जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चमोली जिले के लिए 43 पुलों की स्वीकृति की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 127 पुलों में से एक तिहाई पुल चमोली जिले में बन रहे हैं। इससे दूर दराज के गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही आज मैं दुर्मी गया था, जहाँ दुर्मी ताल था कभी, अब तो दुर्मी हो गया, ताल है नहीं, इसे दुर्मी कहना ज्यादा उचित होगा। तो क्षेत्र में मैंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके लिए मैंने वहां पर घोषणा की है। उसके अलावा कई सड़कों के लिए वहां पर और जिले के लिए घोषणा की है। मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं प्रदेश के, उन क्षेत्रों में जाया जा सके। आज मुझे बहुत खुशी है कि जहां मेरी बहुत दिन से इच्छा थी
उस गांव तक में पहुंचा। आज यहां पर जिला योजना की भी समीक्षा थी और अभी तक लगभग 85% व्यय यहां पर कर लिया गया है। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास जो 2.5 महीना शेष है अभी, तो यहां पर 100% व्यय हमारा हो जाएगा। उत्तराखंड में दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से कल उत्तराखंड को 1,40,000 खुराक मिलने जा रही हैं। आपको बता दें कि 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ था। इसके तहत पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। शासन ने स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण अभियान फरवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है, जबकि दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन की राज्य संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने राज्य में टीकाकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का इस सप्ताह तक टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया जाना है। मुख्य सचिव ने कुंभ 2021 की एसओपी जारी होने के बाद कुंभ में लगे प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण अभियान को 2 सप्ताह से ऊपर हो गए हैं। इस दौरान टीकाकरण के बाद कोई प्रतिकूल बड़ी घटना सामने नहीं आई है, जिससे यह साबित होता है कि वैक्सीन सुरक्षित है। इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाए। देहरादून में आयोजित पुलिस सम्मेलन के अंतिम दिन पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिसकर्मियों को एक और सौगात दी है। उन्होंने साप्ताहिक अवकाश को बाकी 4 जिलों में भी 1 मई से लागू करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए ये सुविधा 9 पहाड़ी जनपदों में लागू की गई थी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिसकर्मियों को मानसिक राहत दिए जाने के लिए अवकाश की बात लंबे समय से की जा रही थी। अब प्रदेश के सभी जिलों में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए ये सुविधा 1 मई से लागू की जा रही है। ये अवकाश उनके ड्यूटी प्रभारी ही रोटेशन के आधार पर तय करेंगे। साप्ताहिक अवकाश जब मैंने लागू किया तो वो पहले ऊपर के 9 जिलों में किया था। उसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि अगर ये प्रयोग सफल नहीं होता है तो ऊपर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पुलिस की क्रूशियल इश्यूज कम है। अगर नीचे हम करते अचानक से वो होता तो हमें पुलिस में दिक्कत आ सकती थी। तो एक्सपेरिमेंट वहां हमारा सफल हुआ तो अब इसको नीचे भी लागू कर लेंगे। दूसरा कारण ये था कि अभी कुंभ के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कुंभ में गई हुई है, तो एक साथ से डबल लोड हमारा थाना नहीं ले पाएगा। तो कुंभ खत्म हो रहा है, 27 अप्रैल को आखिरी स्नान है, तो इसलिए 1 मई से हम इसको पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। वहीं अब सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी और असामाजिक टिप्पणी करने पर पुलिस कड़ा कदम उठाने जा रही है। पुलिस ऐसे लोगों के पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करेगी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अभी तक सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ केवल आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, और जब कोई पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करता था तो उसके खिलाफ मुकदमों की जानकारी दी जाती थी। लेकिन अब यह भी देखा जाएगा कि उसकी सोशल मीडिया पर किस तरह की गतिविधियां रहती हैं। राजधानी देहरादून में आज सुबह से ही आंशिक रूप से बादल छाए रहे। देहरादून में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग ने शाम से ही प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई है। गढ़वाल और कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम का मिजाज आज बिगड़ा रहा। आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज शाम से 5 फरवरी तक प्रदेश के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही इस दौरान 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 5 और 6 फरवरी को भी मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। वहीं बारिश और बर्फबारी को रबी के साथ ही फलों की खेती के लिए भी फायदेमंद बताया जा रहा है। ये बादल और बढ़ेंगे और इसकी वजह से जो ये पश्चिमी विक्षोभ असल में निकल रहा है तो आज और कल इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। जैसे पहले 4 और 5 में लग रहा था कि इम्पैक्ट ज्यादा होगा, लेकिन अब यही दिख रहा है कि जो है आज 3 से ही शुरुआत हो जाएगी रात शाम से, और ये जो है 5 के शाम तक ये चलने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 तारीख के रात शाम से लेके और 5 तारीख के रात शाम तक जो करीब 48 घंटे है इसके दौरान एक्टिविटी रहेगी। और फिर कल अगर बात करें 4 तारीख को फरवरी में, तो 4 में आप देखेंगे ज्यादातर जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। 5 तारीख को जाएंगे तो थोड़ी जो एक्टिविटी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों में
हल्की या बहुत हल्की जो एक्टिविटी है बारिश बर्फबारी की वो रहेगी। कृषि उत्पादन मंडी समिति देहरादून ने एक अभिनव पहल करते हुए नकरौदा निवासी छात्रा प्रिया रावत को आज एक दिन का अध्यक्ष मनोनीत किया। इस अवसर पर प्रिया रावत ने बतौर अध्यक्ष कृषि विपणन और मंडी कार्यों की समीक्षा की, साथ ही मंडी का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर मंडी समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी को देखते हुए मंडी समिति ने भी ये पहल की है। उन्होंने बताया कि प्रिया रावत कृषि स्नातक हैं और कृषि कार्यों में उनकी रुचि है। एक दिन के लिए मंडी अध्यक्ष बनी प्रिया रावत ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए यहां कोल्ड स्टोर बनाया जाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे थोड़ा स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है कि जो किसानों का जो सामान होता है वो जो एग्रीकल्चर के ज्यादातर गुड्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए या उनको स्टोर करने के लिए, तक क्योंकि किसान इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सब कुछ खुद करें, तो उसको अफोर्ड करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें कुछ स्टोर हाउसेस की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऊर्जा सचिव राधिका झा और यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने राज्य सरकार की अंश पूंजी पर लाभांश के रूप में 40 करोड़ 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल द्वारा प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूजेवीएनएल भविष्य में भी अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। इस मौके पर ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 123 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित किया था। उसी के तहत राज्य सरकार को निगम की ओर से करीब 40 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्य 4,822 मिलियन यूनिट के सापेक्ष 5,088.88 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया, जो कि पर्यावरणीय प्रवाह को समाहित करते हुए अभी तक का निगम का उच्चतम विद्युत उत्पादन है। इसी क्रम में निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऊर्जा का अधिकतम विक्रय किया गया। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं को कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी देने के लिए शिक्षा विभाग ने अमेरिकी कंपनी आईबीएम के साथ करार किया है। इसके पहले चरण में उधम सिंह नगर के सभी विकास खंडों के 30 विद्यालयों को शामिल किया गया है। इससे जिले की 25,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि इस योजना के तहत मुख्य रूप से बालिकाओं पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए जिले के 30 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें रुद्रपुर के 6, बाजपुर के 3, गदरपुर के 6, जसपुर के 5, खटीमा के 7, सितारगंज के 2 और काशीपुर के 1 विद्यालय को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में ऐसे विद्यालयों को इस योजना में शामिल किया जाएगा जिनमें छात्र और छात्राएं एक साथ अध्ययनरत हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बालिकाओं को कंप्यूटर के प्रति जागरूकता पैदा करना और कंप्यूटर की शिक्षा के बारे में जागरूकता, साथ साथ में जो इंग्लिश वर्जन उसमें सीखते हैं थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर कोडिंग, और जिससे कि बच्चे हमारे पीछे रहते हैं, मैथमेटिक्स का ज्ञान भी इसके थ्रू देने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हमने सभी अपने विकास खंडों में, जहां जहां हमारे विकास खंडों में कहीं पर 2, 4, 6 इस रूप में विद्यालय चयनित हैं, इन खंड शिक्षा अधिकारियों को भी हमने निर्देशित कर दिया है और उस कंपनी को भी हमने वो ऑथेंटिक लेटर उपलब्ध करा दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज सचिवालय में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के नवनियुक्त युक्त अनिल कुमार रतूड़ी को पद ग्रहण करने की शपथ दिलाई। इससे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि अनिल कुमार रतूड़ी पिछले साल 30 नवंबर को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने एकीकृत वेब पोर्टल किया लॉन्च। देश के किसानों से गोबर और फसल अवशेषों को उचित दाम पर खरीदा जाएगा। चमोली जिले की दुर्मी घाटी पहुंची मुख्यमंत्री। दुर्मीताल का जीर्णोद्धार सहित विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने की दर्जन भर घोषणाएं। उत्तराखंड में दूसरे चरण के टीकाकरण की तैयारियां तेज। केंद्र से टीकाकरण के लिए मिलेगी 1,40,000 खुराक। अगले सप्ताह से फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुरू होगा टीकाकरण।
और प्रदेश भर में बदला मौसम का मिजाज। गढ़वाल और कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में आज छाए रहे आंशिक बादल। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।